ये प्रोग्राम का मकसद एक ही है, अपना ओल्ड सिटी में सब मेहनत करके जीने वाले बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज बोलते हैं, कई आप अपन रोड पे निकले तो कई ऑटो, 100 ऑटो दिखते रहते, 50 ऑटो दिखते, ऑटो ड्राइवर के लिए सबको बहुत बहुत शुक्रिया, मीडिया वाले को भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक हफ्ते से हम लोग कंटिन्यूस हमारे हमारे प्रोग्राम्स को पब्लिश कर रहे हैं, पब्लिक में कम से कम मालूम होता है ये डर के बारे में बात कर रहे हैं, थोड़ा डर तो भी पैदा होता। तो आप लोग वंस अगेन बहुत बहुत थैंक यू। सबको आदाब। आज साउथ जोन पुलिस पूरा मिलके यहाँ पे तंजेरी फंक्शन हॉल में साउथ जोन पे जितने भी मेडिकल शॉप्स और स्टेशनरी शॉप ओनर्स हैं उन लोगों को बुला के काउंसलिंग दिया गया, ताकि जो ये ड्रग्स जो ड्रग्स का प्रिवेलेंस है उसको कम करना है। जैसे ये हम लोग आज नशा से आज़ादी नाम के एक प्रोग्राम कर रहे हैं, ताकि हमारा जो आने वाला जनरेशन को नशा से दूर रखने के लिए प्रोग्राम है, उसमें हम लोग को इंफॉर्मेशन आ रही है कि वाइटनर अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, तो इजीली नशा लेने का एक स्कोप था वो, तो इसीलिए स्टेशनरी शॉप ओनर सबको बुला के एक काउंसलिंग रखा, ताकि अननेसरी वाइटनर्स को नहीं बेचना, और जो भी वाइटनर्स ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं उनके बारे में लोकल पुलिस को इन्फॉर्मेशन देने के बारे में उन लोगों को काउंसलिंग दिया गया। साथ साथ मेडिकल शॉप्स पे नाइट्रोविट टैबलेट और इंजेक्शंस जो नशा करने के लिए यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में हम लोग उन लोगों को काउंसलिंग किया, ताकि अननेसरी ये स्केड्यूल्ड हेच ड्रग है जिसमें बिना प्रिस्क्रिप्शन का बेचने से उन लोग के ऊपर केस बन सकता है, उसके बारे में भी हम लोग उन लोग इंटीमेट किया और उन लोग को काउंसलिंग दिया गया, ताकि ये ड्रग्स जो है जो नशा करने वाले ड्रग्स है और स्केड्यूल हेच ड्रग्स पर्टिकुलरली बिना प्रिस्क्रिप्शन के साथ नहीं बेचे। और सबका ताउन मांगा इसमें कि हमारा हैदराबाद सिटी को ड्रग्स फ्री सिटी बनने का पुलिस का जो एफर्ट में सबका ताउन चाहिए था सबको, इसीलिए बुला के ये भी रिक्वेस्ट किया। और ये प्रोग्राम हमारा प्रोग्राम का जो मकसद है सीपी साहब का इंटेंशन था, तो पी साहब चार्ज लेने के बाद से ड्रग्स के ऊपर खासतौर के स्पेशल फोकस रखा था और अभी भी चल रहा है फोकस, तो उसके सिलसिले में ये हैदराबाद सिटी जो तेज़ी से डेवलप हो रहा है उनको जो और आने वाले जनरेशन्स को ये ड्रग्स जैसा डेंजरस चीज़ से बचाने का एफर्ट था, और साथ साथ ये ड्रग्स की वजह से क्राइम भी बढ़ने का चांसेस है, उसके लिए भी प्रिवेंटिव एक्शन हमारा साइड से पुलिस के साइड से ये हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं, और ये कम्युनिटी पॉलिसिंग का पार्ट होने से वजह से हम लोग डेली लोगों से मिल रहे हैं, बच्चों से मिल रहे हैं, स्टूडेंट्स कॉलेज स्टूडेंट्स स्कूल स्टूडेंट्स और बाकी डिफरेंट प्रोफेशनल से मिल रहे हैं, ताकि उन लोग का भी हम लोग कौन से अवेयरनेस ला रहे हैं कि ड्रग्स की वजह से क्या क्या बैड क्या क्या नुकसान हो सकता है, और डिफरेंट एक्टिविटीज़ लाइक जॉब मेलास भी हम लोग करवा रहे हैं, ताकि उन लोग को अच्छा एम्प्लॉयमेंट भी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी मिल जाए। और साथ साथ इस प्लेटफॉर्म से हम सबको अपील करना चाह रहे हैं कि हैदराबाद सिटी पुलिस वेरियस NGO से और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से टाई अप होकर जो भी ड्रग एडिक्ट से उन लोग को लेके रिहैबिलिटेशन सेंटर को भेजना और उसको वापस मेन स्ट्रीम सोसाइटी पे लाने के लिए भी एफर्ट कर रहे हैं, और उन लोग के ऑलरेडी टाई अप हो चुके हैं। तो सभी को हमारे साइड से रिक्वेस्ट है, जब भी आपके पास इंफॉर्मेशन आते कि ड्रग कंजम्पशन के बारे में या ड्रग्स कोई बेच रहे हैं उसके बारे में आते, प्लीज़ लोकल पुलिस को हमारे को इंफॉर्मेशन पास ऑन किया जाएगा, तो उन लोग को बचाने पे आप लोग का हेल्प होगा और हमारा हैदराबाद सिटी को ड्रग्स फ्री सोसाइटी बनने में आपका क्रूशियल रोल होगा। थैंक यू। जय हिंद।